सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में अपन एक बार फिर से बात करेंगे ईओन जेड स्मार्ट वॉच के बारे में। दोस्तों आफ्टर यूज रिव्यू करने वाला हूं, यानी कि दोस्तों इस वॉच के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इस वॉच के जो फीचर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं या फिर नहीं, और दोस्तों देखेंगे इसी वॉच की क्वालिटी और क्या आपको ईओन जेड की इलाइट वॉच परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो मुझे अच्छी लगी तो यार लाइक कीजिए, वीडियो बनाया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ईओन जेड की वॉच और दोस्तों उसके साथ उसका बॉक्स है। यहाँ पर इसके मेन हाइलाइट्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो मेन हाइलाइट्स, यहाँ पर देख सकते 1.79 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके बाद 96% आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, 30 दिन की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, हार्ट रेट देखने को मिलेगा, स्लिप मोड देखने को मिलेगा, IP66 का आपको वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसके बाद एमोल्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वॉच है यहाँ पर ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो भी एक्टिविटी ट्रैकर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो हाइलाइट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं साइड में, और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीधे ही अपन इस वॉच के बारे में। यहाँ पर आप वॉच देख सकते हैं, ये मेरे पास ये हैं, तो इसको आपने अगर एक्टिव कर रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, ये ऑटोमेटिकली आप एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने यूज़ किया है, लगभग एक महीना हो गया है मेरे को यूज़ करते करते, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये वॉच निकल के आती हैं। सबसे अच्छा इसमें यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है आपका टाइम और आपका जो भी स्टेटस है, आपका जो नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे इसी वॉच के अंदर आपको शो हो जाएंगे। अगर आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन, DND का ऑप्शन, फाइन डिवाइस का ऑप्शन, उसके बाद स्विच ऑफ का, बैटरी का, उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पर वॉच की डिटेल का ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपके जो भी सारे नोटिफिकेशंस हैं वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल काफ़ी अच्छी वॉच हैं, जो भी इसके आप एक्टिविटी ट्रैकर्स यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो इसके एक्टिविटी ट्रैकर्स हैं वो यूज़ करता रहता हूँ। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के साथ इसको कनेक्ट करना रहता है, सिंपल सा। जैसे आप इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन के साथ, इसमें ब्लूटूथ ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप इसको सीधा ही एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर लीजिए। जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ऑनवेयर, तो ऑनवेयर के साथ इसको जैसे आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इजीली से डाउनलोड कर लीजिए आप ऑनवेयर, और जैसे डाउनलोड करके इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर लीजिए, और जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपकी जो सारी हेल्थ से रिलेटेड और आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो सारी इस वॉच के इस एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसको यहाँ से ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसको लॉगिन कर लीजिए किसी के साथ, अपने ईमेल एड्रेस के साथ, उसके बाद इजीली से आप इसको आप एक्सेस कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये एप्लीकेशन है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये वॉच हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऊपर मेरे जो प्राइमरी फ़ोन है उसके स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे कि कैसे मेरे ब्लड प्रेशर को चेक करती रहती है ये वॉच, कैसे मेरी SpO2 को चेक करती रहती है, कैसे मेरी हार्ट रेट को चेक करती रहती है। इस एप्लीकेशन में सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारा कुछ शो करती हैं ये वॉच। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वॉच यहाँ पर निकल के आती हैं। यहाँ पर बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी यहाँ पर आपको 19-20 ज़रूर देखने को मिलेगी, बट दोस्तों एक्यूरेसी यहाँ पर आपके जो स्टेप काउंट्स होते हैं वो स्टेप काउंट्स वगैरह सारे काफ़ी एक्यूरेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं मेरे को। और यहाँ पर बात करते हैं अगर हेल्थ की, यानी कि आप अपने जो हार्ट रेट होते हैं उसको अगर आप चेक करते हैं तो वो भी यहाँ पर आपकी एक्यूरेट देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अपन अपने ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे होता है, 19-20 हो सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपका कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसके ऊपर ज़रूर से आप एक बार चेक कीजिए, तो डेफ़िनेटली आपको ईजिली पता चलेगा कि डेफ़िनेटली सही वर्क कर रही हैं या फिर नहीं। उसके बाद अगर बात करें स्लीप मोड का या फिर अपन मैसेज का, यहाँ पर कॉल नोटिफिकेशन का, एक्टिविटी का, तो यहाँ पर सारे कुछ फीचर्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी और भी इश्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नो आपको दे रखे हैं एक्टिविटी ट्रैकर्स, यहाँ पर जो भी आपके एक्टिविटी ट्रैकर्स हैं उनसे आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी सारी एक्टिविटीज़। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये वॉच देखने को मिलती हैं। मैंने इसको यूज़ किया है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और ये इसकी लुकिंग है पूरी की पूरी आई वॉच
SE यानी कि एप्पल वॉच SE की इसकी पूरी यहाँ पर लुकिंग देखने को मिलती है, पूरी आपको वैसा ही लुक और एक प्रीमियम लुक यहाँ पर देखने को मिलता है। जो इसका जो केस है, जिसका जो इसकी जो बॉडी है, मटेरियल है, काफ़ी गजब का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ये मेटेलिक यूज़ किया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एमोल्ड स्क्रीन देखने को मिलती है। बात करते हैं अगर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप काफ़ी गजब का देखने को मिलता है। अब तो आपका 30 डे स्टैंड बाई मोड पर 30 डेज तक ये बैटरी बैकअप देती हैं, और अगर आप इसको यूज़ करो रेगुलरली तो 14 से 15 दिन आराम से आप इसको अपने फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, और जैसे आप इसको यूज़ करते तो कुछ इस प्रकार का आपको लोगो और इंग्लिश आपको सेलेक्ट करने देती हैं, और आप सेलेक्ट करने के बाद आप इजीली तरीके से इस वॉच के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी वॉच यहाँ पर देखने को मिलती है, मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। बट इसमें कॉल फीचर नहीं है, मतलब आप इसमें आपको नोटिफिकेशन सारे ही मिल जाएंगे, बट इससे आप न कॉल रिसीव कर पाओगे और न कॉल वापस कर पाओगे। तो आप थोड़ा सा अगर आपका बजट है अंडर 4000 रुपीज़, तो डेफिनेटली आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप इस वॉच को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आप कोई अदर वॉच भी, मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सारी वॉचेज के भी लिंक दे रखे हैं जो कि कॉलिंग वॉच हैं, फायरबोट की कॉलिंग वॉच हैं, जियोनी की कॉलिंग वॉच हैं, वो भी आप देख सकते हैं, मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी हैं डायरेक्टली, तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में यही था, वीडियो मुझे लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।